अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम आपको नेचुरल एंटीबायोटिक के बारे में या मजबूत कुव्वत मुदाफ़त के बारे में बताएंगे। आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको घर पर तैयार किया जा सकता है। अगर आप डिसकंफर्टेबल महसूस करें और लगे कि बीमारी की शुरुआत होने जा रही है, गले में खराश हो, गले में दर्द का एहसास हो, किसी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हों और आपके सर में दर्द हो, तो इसे आप घर में बनाकर पी सकते हैं। इस रेमेडी का मकसद आपके मौजूदा मेडिकल केयर को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि वो लोग जो पहले किसी बीमारी का इलाज उनका चल रहा होता है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये एंटीबायोटिक आपके जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को सिर्फ मारता है, वायरस को नहीं और फंगस को नहीं मारती। लेकिन ये ड्रिंक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों के लिए है। इसमें प्लांट केमिकल मौजूद हैं, वो खसूसियात जो वक्त के साथ साथ पौधे अपने अंदर बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर डिवेलप कर लेते हैं। और पौधे जो हैं वो मिट्टी में रहते हैं, चूँकि वो एक ही जगह पर रहते हैं, हरकत नहीं कर सकते और अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता सकते, खुद चलकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए कुदरत ने उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में और अपनी बीमारी से खुद लड़ने की सलाहियत जो है वो रखी हुई है। हम इन केमिकल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये ड्रिंक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और एंटी पैरासिटिक भी है। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि जिस समय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाना और एक वक्त के बाद जब ये दवाई जो है एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देती है। ये बात बहुत अहम है कि नेचुरल हर्बल मेडिसिन को हमेशा अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है और ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जो पहली दवाई बनाई गई वो भी मदर टिंचर की ली गई थी। इसके अलावा बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो अपने आइडियाज़ हर्बल मेडिसिन से ही लेती हैं। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखते हुए मॉडर्न मेडिसिन को अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में होना चाहिए, ना कि हर्बल की। साल के तौर पर अगर आपको बुखार होता है तो इस बुखार को कम करने के लिए आपको फ़ौरन दवाई नहीं लेनी चाहिए। बुखार पहला साइन है जो बॉडी देती है कि इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, जो कि बीमारी होती है कुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है, तो सबसे पहले आप स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करनी है। कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, बॉडी की बीमारी से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया वायरस जिस्म पर तेज़ी से हमला करेंगे। कॉर्टिसोल और स्ट्रेस वाले मामलों को हल करना ज़रूरी है। इस ड्रिंक में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको शीशे के ब्लेंडर के जार में डालना है। शीशे का जार लेंगे जिसका ढक्कन ऊपर से बंद होगा। इसको बनाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना होगा। इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले लहसुन है, ऐसे प्लांट केमिकल हैं जो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल हैं। दूसरे नंबर पर है हल्दी जो बहुत अहम है। तीसरे नंबर पर है एप्पल साइड विनीगर जिसे कि सेब का सिरका कहते हैं, ये एसिटिक होता है। चौथे नंबर पर लीमू है जो कि पूरा हमने ब्लेंडर में डालना है। और पांचवें नंबर पे है कुदरती शहद जो कि हमने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। 15 जवे लहसुन के एक ब्लेंडर में आपने डालने हैं और उसमें एक पूरा लीमू डालना है, हल्दी 1 टेबलस्पून डालनी है, अदरक जो है वो 100 ग्राम डालनी है और 1/4 कप आपने शहद का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी आप इस ब्लेंडर में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करना है। मिक्सर में आपने 1 कप पानी डालना है और इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह जो है वो ब्लेंड करना है। आपका कुदरती एंटीबायोटिक जो है वो तैयार हो गया है। आपने एक शीशे का जार लेना है जिसके ऊपर एक टाइट सा ढक्कन लगा होना चाहिए। आपने इस पूरे मिक्सर को उसमें डालकर फ्रिज में रख देना है। जितना अरसा भी पड़ा रहेगा ख़राब होने का डर नहीं है। आपको थकावट हो, आपको कोई भी बीमारी ऐसे थोड़ी सी स्टार्ट होती है, गले में दर्द होना शुरू होता है या आपको कोई बुखार सा फील होना शुरू होता है, तो आपने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो आप इसके दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज की रेमेडी जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक हमने तैयार की है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसे हम आसानी से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आसानी से हमारी किचन में मौजूद होती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।